ये कोबरा सांप है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल खतरनाक तरीके से अग्रेसिव हो, काफ़ी ज़्यादा काला, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं छः पाँच नहीं छः नहीं सात नहीं दस दस बार काट रहा है देखिए, और बिल्कुल रियल बाइट, ये देखिए पकड़ लिया, ये रियल बाइट था। और यहाँ पे देखिए बाइट किया साथ साथ इसने जहर भी छोड़ा। चलिए इसको भी हमने इस बॉक्स में डाल दिया, फिलहाल दोनों कोबरा को हमने इसमें डाल दिया। अब चलिए तीसरे कोबरे के लिए इसको छानबीन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर मित्र में, और हम हैं मोहित कश्यप सर मित्र टीम गोरखपुर। आज का रेस्क्यू कॉल तीन मुहानी ग्राम सभा जो कि गोरखपुर जिला के अंतर्गत रेस्क्यू देखने को मिला है। घर वाले फोन किए थे कि उनका कहीं घर बन रहा है तो कुछ दीवारों को वो लोग तोड़ रहे हैं, तो जैसे वो लोग दीवार तोड़ रहे थे तो उसमें दीवारों में कई सारे सांप दिखे उन लोगों को, तो चलिए वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत कम से कम 50 बार वो लोग फोन कर चुके हैं हम लोग को। तो चलिए फिलहाल हम लोग दोनों टीम रेडी हो चुके हैं फाइनली वहाँ पे जाने के लिए, तो चलो सीधे चलते हैं वहाँ पे, बाकी आपको मोहित सर बताएंगे। तो वहाँ जाने के बाद किस कंडीशन में, कहाँ पर, कैसी जगह पे, किस परिस्थितियों में कौन सा सांप है, किस प्रजाति का है, वहाँ जाने के बाद ही हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अब तक बने रहिएगा और सारी जानकारी लेने के बाद ही वीडियो से जाइएगा, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा काम कैसा लगता है प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, हमारी वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग सीधे वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। हम बोल तो चलिए दोस्तों चल के देखते हैं सांप कहाँ पे है, किस स्थिति में है और उस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद फिर उन सांपों के बारे में जानकारी देकर के जंगल में छोड़ेंगे। उसके अंदर अच्छा वो दीवार गिराई जा रही थी उसके अंदर थे क्या? हाँ उसी के अंदर थे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग उसी स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे सांपों को देखा गया है। आप देख सकते हैं एक परिवार का घर बन रहा है, ये इसी घर को बनाते वक्त इस कुछ दीवार को तोड़ा गया, तो जब दीवार को तोड़ा गया देख सकते हैं अभी वो एक दीवार बिल्कुल प्लास्टर्ड है और दूसरा दीवार जो है बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। तो जब इस दीवार को तोड़ा जा रहा था तो इसी दीवारों के बीच में दो सांप बता रहे हैं लोग। कितने सांप? दो सांप, दो या तीन? अच्छा दो, तो दो या तीन सांप जो है इसी दीवारों के बीच में लोग देखे हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम उसी स्थान पे आ गए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इस ईंट में कुछ सांप गया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इस ईंट में कुछ सांप गया है, और शायद मुझसे इधर कहीं बता रहे लोग सांप दिख भी रहा है। दिख रहा है सांप क्या? अच्छा यहाँ से दिख भी रहा है, ओके। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इस ईंट के गल्लों में कुछ सांप गया है और कुछ सांप इसमें है, तो चेक करते हैं, हटाते हैं, अगर सांप दिखता तो आपको दिखाते हैं। और फिर दिख रहा है। अच्छा कौन सा है? स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा चलिए मैं भी दोस्तों देखता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। थोड़ा एक ही हटाइए मोहित सर, ये देखिए दोस्तों जैसे थोड़ा सा एक ईंट को मोहित सर ने हटाया तो इसके अंदर जो है काफ़ी काला कलर का और काफ़ी बड़े साइज का एक कोबरा सांप दिखा। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे एक दिख रहा है, दूसरा वाला सांप जो है वो कहाँ गया है वो भी छानबीन किया जाएगा। पहले जो दिख रहा है उसको पकड़ लीजिए, उसको डब्बे में पैक कर लीजिए, फिर दूसरा सांप की छानबीन करिएगा। बारीक से यहाँ की ईंटों को हटा के पकड़िए इसको। यहीं पे दोनों है कि एक ही यहाँ पे? दोनों यहीं पे है। अच्छा दोनों फन निकाले थे। अच्छा एक तो दिख रहा है, दूसरा वाला कहाँ गया है? ये देखिए दोस्तों एक सांप को मोहित सर ने अपने हाथों में पकड़ लिया है और ये कोबरा सांप भाई यहीं पे नीचे रख के, ये कोबरा सांप है बिल्कुल काला कोबरा, और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा खतरनाक तरीके से अग्रेसिव हो गया है, देख सकते हैं। और ये देखिए देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काला कलर का सांप है ये, और ये देखिए गूजबंग हो गया मेरा, मतलब इतना तेज़ी से उछाल मार रहा है कि कैमरे के ऊपर आके बॉडी तक काटने को जा रहा था। ये है बिल्कुल छोटा सा ही, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखिए ये देखिए एक मिनट पट्टी करके पकड़ लिया, देखिए किस तरीके से फुफकार भर रहा है आगे आगे। ये काफ़ी जहरीला जीव है दोस्तों, देख सकते हैं। और मजदूर लोग काम कर रहे थे तो कुछ ईंट इसके ऊपर गिर गया जिसके वजह से कुछ यहाँ पे भी चोट आई है, कुछ पूंछ पे भी चोट आई है, तो फिलहाल बहुत ही बारीक चोट है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। एक काला कोबरा को आपके सामने आपके नज़रों के सामने कैमरे में दर्ज कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अभी इसके पूंछ को मोहित सर पकड़ लिए हैं, इसको बाहर ले चलेंगे और इसके बारे में समस्त जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये काला कोबरा है, और ये कोबरा अगर किसी भी मजदूर के हाथों में टच होता, जिस तरीके से ये गुस्सैल है, जिस तरीके से ये बाइट करने के लिए दौड़ रहा है,
I am 100% sure that मोहित सर, किसी मजदूर का हाथ अगर पड़ जाता इसके ऊपर काम करते वक्त तो डेफिनेटली बाइट कर लेता, और अगर बाइट कर लेता सही समय पे उपचार नहीं होता तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती थी, हो सकती थी। चलिए फिलहाल इसको भी पकड़ते हैं, और इसको पकड़ने के बाद इसको बाहर लेके चलेंगे और इसको पैक करेंगे, फिर दूसरा सांप या फिर तीसरा सांप जितने भी हैं उनको छानबीन किया जाएगा। अच्छा, कुछ और भी सांप के स्किन देखे मिले मुझे मोहित सर यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कोबरा का, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि बेबी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का स्किन देखने को मिला। तो ये अभी जस्ट करंट में छोड़ा है कुछ एक दो दिन पहले, तो इसमें और भी बेबी कोबरा मिल सकते हैं। चलो मोहित सर, इसको पकड़ो और फिर इसको पैक करो आप, फिर दूसरा सांप को छानबीन किया जाएगा। एक डिब्बा लाए आप लोग? हाँ, दो भाई डिब्बा दो। ये देखिए दोस्तों किस तरह से कंटिन्यूअस बाइट कर रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, दस दस बार काट रहा है देखिए, और बिल्कुल रियल बाइट। ये देखिए पकड़ लिया, ये रियल बाइट था, और यहाँ पे देखिए बाइट किया साथ साथ इसने जहर भी छोड़ा, यानी अगर ये खा, ये सांप अगर काट लेता किसी इंसान को इस तरीके से जहर छोड़ता, उठ कर हाँ, तो ओह माय गॉड, ये देखिए तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती। मैं लगातार बार बार यही बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जहरीले जीव होते हैं कोबरा सांप, तो जो सांप होते हैं उन सांपों के कैटेगरी में टॉप 10 सांपों में इनका नाम सम्मिलित रहता है, बहुत ही जहरीला होता है। चलिए इस सांप को अभी पैक करते हैं और यहाँ पे और दूसरा सांप को ढूंढते हैं, साथ साथ जितने भी सांप निकलेंगे उन सभी सांपों को रेस्क्यू करके पैक किया जाएगा। उसके बाद जितने सांप निकलेंगे वो आपको दिखाने के बाद, जानकारी देने के बाद पैक करके जंगल लेके चलेंगे छोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी इस कोबरा को हम लोग पकड़े हैं, उस कोबरा को पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद दूसरा कोबरा के छानबीन में चलते हैं। इसमें मोहित सर ने अभी एक कोबरा को पैक कर दिया और इसमें ऑक्सीजन के लिए होल कर देंगे, उसके बाद फिर चलो दूसरा सांप को छानबीन करते हैं। पहले इसको होल कर लीजिए। तो अभी एक कोबरा को हमने इस बॉक्स में पैक कर दिया, ऑक्सीजन के लिए होल भी कर दिया, वापस आकर के हम लोग इस सीटों को हटा रहे हैं ताकि जो दूसरा कोबरा इस घर के लोग देखे हैं उसको भी छानबीन हम लोग कर सकें। उसके बाद फिर अगर वो सांप दिखता है तो उसको भी पकड़ के और फिर उसको भी डब्बे में पैक करके सुरक्षित जंगल में लेके चलेंगे छोड़ने के लिए। इधर ही गिरा दीजिए। ऐसे कहते रहिए, होगा तो मिल जाएगा। अच्छा, इसमें लग रहा है ना, तो इसको हटाइए आप लोग ना, यहीं पे हम लोग हैं, हटाइए। इसमें अगर दिख रहा आप लोग को तो थोड़ा इसको दूर दूर से जो ईट दिख रहा है उसको हटा लीजिए आप लोग, यहीं पे हम लोग हैं, तब तक इधर भी छानबीन हो रही है। तो दोस्तों वहाँ पे हमने खुदाई कर रहे थे और कुछ ईट यहाँ पे है, जैसा कि घर वालों का और यहाँ के लोगों का सस्पेंस था कि एक सांप तो वहाँ पे है जो हमने पहले पकड़ लिया, प्लीज कीप साइलेंस, और दूसरा सांप जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ईट हटा रहे थे। अभी यहाँ पे एक भैया, तो उनको तो नहीं दिखा लेकिन यहाँ पे ये सर हैं, इनको दिखा और जैसे इन्होंने देखा तो हमें बताया, और अभी देखिए मोहित सर इसको हटा रहे हैं। अच्छा, ये कोबरा है, दिख गया यहाँ पे है दोस्तों कोबरा स्नेक, एक इसको हटाएंगे मोहित सर तो दिख जाएगा। ये देखिए इसमें ये बैठा हुआ है जो कि एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है। काफी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। अभी दोस्तों ये सांप इधर निकला था, फुफकार भरा फिर उधर भाग गया। अभी देखिए मोहित सर उधर थोड़ा ही हटाए तो पकड़ लिए उसके पूछ को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये मिला एक कोबरा स्नेक जो कि ये भी अग्रेसिव है। ये देखिए दोस्तों ये भी एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो, और ये देखिए किस तरीके से हुड ले लिया है और मोहित सर के हाथों में है और अपने जीभ को निकाल के यहाँ के बातों को सुनने की कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत जहरीला जीव है और ये भी बाइट कर रहा है।
चलिए इस सांप को भी बाहर लेके चलते हैं और फिर इसके बारे में भी जानकारी दे करके और इस सांप को भी बाहर लेके चलते हैं, दोनों सांपों को निकाल के दिखाते हैं साथ साथ। पहले इसको पैक कर लेते हैं क्योंकि तीसरा सांप बता रहे हो तो उसको भी छानबीन कर लीजिए, फिर जानकारी दे करके पैक करके जंगल ले चलेंगे। इसको भी पैक कर दीजिए, इसी में डाल दीजिए, काफी बड़ा है। तो एक काला नाग को हमने पकड़ा और एक भूरा कोबरा को जो कि काफी बड़ा भी नहीं है और काफी छोटा भी नहीं है, बेबी भी नहीं बोलेंगे उसको। चलिए इसको भी हमने इस बॉक्स में डाल दिया, फिलहाल दोनों कोबरा को हमने इसमें डाल दिया। अब चलिए तीसरे कोबरे के लिए इसको छानबीन करते हैं, क्योंकि उस दीवाल में सांप निकले, क्योंकि उस दीवाल में दो सांप निकले थे तो और भी सांप होने की संभावनाएं हैं, तो उनको चेक करते हैं और फिर उसको मिलता है तो आपको दिखाते हैं और फिर समस्त जितने सांप निकले उन सभी सांपों को आपको दिखा के जानकारी दे करके पैक करके जंगल ले चलेंगे। और यहाँ पे तमाम सारे लोग आए हुए हैं, ग्राम सभा के लोग जो कि यहाँ पे स्नेक रेस्क्यू लाइव देख रहे हैं और आप सभी लोग हमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हो, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और हमारे काम को मोहिसर को सपोर्ट जरूर करिए। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हमने सारे ईंटों को हटा दिए, दीवालों को भी अच्छे से चेक कर लिया, अन्य कोई सांप हमें नजर नहीं आए, खाली दो सांप, एक नाग और नागिन का जोड़ा नजर आया।